सिवनी जिले के तहसील लखनादौन में 9 मार्च 2024 पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों द्वारा किए गए पेशात्रिक और अमानवीय कृत्यों से देशवासियों में रोष और चिंता का माहौल है। इस अमानवीय कृत्य के विरोध में सिवनी के तहसील मुख्यालय के कचहरी चौक में सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में महिलाओं के अनेक सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस अमानवीय कृत्य के विरोध में सिवनी के तहसील मुख्यालय के कचहरी चौक में सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में महिलाओं के अनेक सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की ओर से कलेक्टर के प्रतिनिधि तहसीलदार द्वारा ज्ञापन दिया गया। उपस्थित महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि संदेश खाली के अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। महिलाओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संवेदनहीनता और महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार को निंदनीय बताते हुए कहा कि जो महिला महिलाओं का अपमान करने वाले दोषियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, ऐसी महिला मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कचहरी चौक में एकत्रित महिलाओं ने घटना के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध में प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और महिलाओं के ऊपर जारी अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध में आवाज उठाते हुए कहा कि बंगाल का घटनाक्रम बहुत शर्मनाक है, वहां महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। इनने अत्याचार किए हैं और जिन जिन की प्रॉपर्टी इन्होंने हड़पा है उनको शारीरिक रूप से शर्मिंदा किया है। ऐसे व्यक्ति को फांसी से अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए और इसकी पूरी प्रॉपर्टी राजसात होकर दुखी व्यक्तियों को पीड़ित व्यक्तियों को मिलना चाहिए। ऐसा आशय लेके हम आज राजपाल जी के नाम संदेश तहसीलदार मैडम को दे रहे हैं और आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोई समस्या अगर अपने नगर में जिले में और आपके कानों में कहीं सुनाई देती है तो वो संगल मंच को आप सूचित करें और ऐसे अपराध को कदा भी ना ढाके और अपने अपने आप को बचाएं, अपने हिंदू संस्कृति को बचाएं। यही हमारी संस्कृति है कि हम अपने धर्म को लेकर चले। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। होने ज्ञापन लेना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है पूरी कार्रवाई। संदेश खाली पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर अविलंब कार्यवाही कर दोषियों को संरक्षण प्रदान करने वाले के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही किए जाने के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, बड़े खेद एवं दुखित मन के साथ आपको यह ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि संदेश खाली पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो महिलाएं एवं बालिकाएं भी शामिल है पर कई वर्षों से अविराम अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों द्वारा किया जा रहा है। संदेश काली द्वीप जो पश्चिम बंगाल में आता है साथ ही कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर है, दूर के उत्तर में 24 परगना सुंदरवन है जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कृषि एवं अन्य कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी जमीनों पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। साथ ही क्षेत्र की बहुमूल्य संपदा की चोरी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के गुंडे जबरन घर घर में महिलाओं तथा युवतियों को उनके कार्यालय व भवनों में ले जाकर बंधक बनाकर शारीरिक शोषण एवं अत्याचार करते हैं। अपने ऊपर हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं के द्वारा दिनांक 8/2/2024 को अपनी